उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। तेज बारिश के कारण कार नाले में फंस गई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद लोगों ने बाहर निकाला। साथ ही दो छात्राएं नदी की ओर फंस गई, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर छात्राओं को बाहर निकाला। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विजयपुर गांव की दो बच्चियां जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, उनका नाम था ममता कोटलिया और तनुजा जोशी, ये स्कूल नहीं पहुंची हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल के साथ उनकी खोजबीन की गई। ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चियां घर से नदी पार करके किशन नगरी में एक जगह पर रुकी हुई थी बारिश के कारण। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। एक दूसरी सूचना ये थी कि एक बच्ची चंपा पलड़िया, जो 12वीं की छात्रा है और बोर्ड के बैक पेपर चल रहे हैं, वो नदी के कारण पेपर देने नहीं जा पा रही थी। गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में DGIC हल्द्वानी में छोड़ा गया है, ताकि बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके।